नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में लोग कॉलोनाइजर की धोखाधड़ी के शिकार हो गए। दरअसल यहां कॉलोनाइजर ने नेशनल हाईवे से लगी कृषि भूमि पर प्लॉट काटकर बेच दिए, लेकिन वादे के अनुरूप गार्डन, मंदिर, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड, पानी की टंकी, सुरक्षा गार्ड, रोड, पानी निकासी की व्यवस्था और साफ सफाई की कोई सुविधा नहीं दी गई। इससे लोग असुविधाओं के बीच रहने को मजबूर है। लोग प्रशासन से भी बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वहां भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब ये कॉलोनी हमने ली थी ना, जब तो कॉलोनी वाले जो मास्टर साहब जी हैं परमान के, मन्नू मास्टर साहब जी, उनने हम लोगों से बोला था कि आपको रास्ता मिलेगी, यहाँ नाली मिलेगी, गार्डन मिलेगा, चिल्ड्रन पार्क मिलेगा, मगर ये आगे चल के इनने कोई व्यवस्था नहीं दी। जो नाली है वो भी पंचायत की तरफ से बनी है, यहाँ पे अभी पानी की बहुत ज्यादा समस्या बनी हम लोगों को। मतलब 1-1.5 फुट पानी रोड पे हमेशा ही भरा रहता है, जब भी देखो जब पानी, मतलब यहाँ पे समस्या बहुत ज्यादा है। उस वजह से कीटाणु भी हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और बहुत परेशानी है आने जाने में हम लोगों को। देखिए अब ग्राम पंचायत स्तर पे तो हमने व्यवस्था जो करनी थी हम कर सकते हैं, वो हमने बराबर की है, कर रहे भाई। अब कॉलोनाइजर जो है उसने इन लोगों से बोला तो था कि भाई हम व्यवस्था बनाएंगे पानी यानी निकासी के लिए, पर अब स्थिति अभी ये है कि वर्तमान में कहीं उसका पानी जाने के लिए विकल्प है ही नहीं। अब शिकायत इन लोगों ने की है, गए रहे SDM साहब के पास गए, तो आदेश जारी हो चुका है, लेकिन PD का ये कहना है, नेशनल हाईवे के डायरेक्टर, कि वो तो टेक्निकल कुछ समस्या है, तो उनकी तरफ से जवाब आ गया था कि वो फिलहाल नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली वो समस्या अभी बनी हुई। दरअसल है क्या कि अब नए जो नियम आए हैं, तो डायवर्सन के नियम भी खत्म हो गए हैं। 18-59 में समय निर्धारण होता है, तो कॉलोनी का जो भी मापदंड उसके लिए अलग अलग विभाग बने हुए हैं, TNCPA वगैरह वगैरह, तो उनसे परमिशन वगैरह लगती है और उस पर कार्रवाई होती है। यदि अब उन्होंने नहीं दी है तो वो फिर अनिवार्य।